क्या आपने कभी ऐसी तितली को देखा है जो कि पेड़ से गिरे एक सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है? या फिर क्या आपने किसी ऐसी फिश को देखा है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है और इसी के साथ साथ वो मिट्टी में ऐसे छिप जाती है जिसे देख पाना बिल्कुल ही मुश्किल होता है? तो दोस्तों, आज आपको ऐसे ही कुछ एनिमल्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसमें एक ऐसा क्रिएचर भी है जो कि एक टूटी हुई लकड़ी पर बैठने के बाद दिखाई भी नहीं देता है कि ये कोई लकड़ी है या फिर जीव। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपने ये जरूर देखा होगा कि मछली जब अंडे देती है तो उनमें से कुछ बच्चे ही सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि बाकी की मछलियों को कोई और मछली या दूसरे जानवर खा जाते हैं। लेकिन लेप्टोसेफलस समुद्र का एक ऐसा जीव है जो कि खुद को छिपाने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। ये जीव एक ऐसा जीव है जो कि देखने में बिल्कुल मछली की तरह ही लगता है, लेकिन ये कोई मछली नहीं है। जब ये अंडों से बाहर निकलते हैं तो इन्हें दूसरे समुद्री जीवों से बहुत ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन अंडे से बाहर आते ही इनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये बच्चे ऐसे ही 3 महीने तक ट्रांसपेरेंट रहते हैं। 3 महीने के बाद ये इस काबिल हो जाते हैं कि ये अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। ये एक ऐसी सर्वाइवल टेक्निक है जो इन्हें नेचुरली मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके ये जीव लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं। सोचने की बात ये है कि इनकी पूरी बॉडी, यहाँ तक कि ऑर्गन्स भी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे जीव को दिखाई भी नहीं देते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टैचू बनने को दिया जाए तो आप बिना हिले कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं? हम में से 99% तक लोग थोड़ी ही देर में हिलने लगेंगे, क्योंकि हम अपनी बॉडी पर इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन लीफ इंसेक्ट एक ऐसा जीव है जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। इन्हें देखकर तो कोई भी इंसान धोखा खा जाए, क्योंकि ये बिल्कुल पत्ते की तरह दिखते हैं। ये जब भी किसी पेड़ के पत्तों पर बैठे होते हैं तो नॉर्मली लोग इन्हें नहीं पहचान पाते हैं कि ये कोई पत्ता है या फिर जीव। एक्चुअल में ये बहुत से जंगली जानवरों और पक्षियों का फेवरेट फूड है, इसीलिए इन्हें अपनी लाइफ बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। जरा भी खतरा महसूस होने पर ये बिल्कुल स्टैचू बन जाता है। ये एक हार्मलेस इंसेक्ट है और इनका खाना पीना पेड़ों पर आने वाले फलों से होता है। ये अपनी पूरी लाइफ पेड़ों और पत्तों पर ही गुजार देते हैं। अगर आप इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन छिपने वाला जीव कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पेड़ों पर इस तरह से छिपता है कि इसे ढूंढ पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसे पेड़ पर ढूंढने के लिए आपकी आंखें बिल्कुल तेज होनी चाहिए, तभी आप इसे पेड़ पर ढूंढ पाएंगे। ये अजीब सी दिखने वाली छिपकली मेडागास्कर आइलैंड पर पाई जाती है और ये बहुत अलग अलग कलर्स में भी पाई जाती है। ये पेड़ पर लगे सूखे पत्तों की तरह दिखाई देती है, जिससे इसे पेड़ पर ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये इन्वायरमेंट के साथ साथ अपना कलर भी चेंज कर सकती है। इनके इसी पावर की वजह से इन्हें खाना ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, बल्कि इनका खाना खुद इनके पास चल के आता है, क्योंकि छोटे मोटे कीड़ों को ये अपने ऐसे कलर होने की वजह से दिखाई भी नहीं देते। ये आउल एक बहुत ही चालाक शिकारी है जो कि किसी सूखे हुए पेड़ पर बैठकर इनविजुअल हो सकता है। जब ये किसी पेड़ पर बैठे होते हैं तब इनके पंखों की वजह से इन्हें देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और अगर इसे गौर से ना देखा जाए तो कोई इसे देख भी नहीं पाएगा, और इसकी आंखें भी इसके बैकग्राउंड से मैच हो जाती है। जब ये इस तरह से किसी पेड़ पर बैठे होते हैं तो बड़े बड़े बर्ड वॉचर भी इस पक्षी को नहीं ढूंढ पाते, और ये आउल सूखी पेड़ पर ही बैठना पसंद करते हैं और उसी पेड़ पर अपना घोंसला भी बनाते हैं।
इस फिश को स्टोन फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये मछली देखने में बहुत ही अजीब और डरावनी लगती है। इस मछली की प्रजाति का नाम डेविल्स है, जिसका मतलब शैतान या डेविल्स होता है, क्योंकि इस फिश को देखने के बाद इसका फेस बिल्कुल डेविल्स की तरह ही लगेगा। इस फिश के गायब होने का तरीका बहुत ही यूनिक है। ये फिश जहाँ पर भी बैठती है, वहाँ के आसपास का कलर और जहाँ तक वहाँ का पैटर्न अपनी बॉडी पर कॉपी कर लेती है। खुद को छुपाकर इसलिए रखती है जिससे कि ये खुद को दूसरे समुद्री जीवों से बचाकर रख सके, और जब इनको खतरा महसूस होता है तो ये अपने कलरफुल विंग्स को बाहर निकाल लेती हैं, जिससे कि शिकारी को डरा कर भगा सके। इस फिश का जहर इतना खतरनाक नहीं होता है कि ये किसी इंसान की जान ले सके। पप टिप मौत, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा इनविजुअल होने वाले क्रिएचर्स में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इनका सेप बिल्कुल एक कटी हुई लकड़ी के जैसे होता है। जो अभी आप इन क्रिएचर्स की वीडियोज और फोटोज देख रहे हो, इसे देखकर ज़्यादातर लोग एक लकड़ी ही समझ रहे होंगे, लेकिन ये कोई लकड़ी नहीं बल्कि एक इंसेक्ट है। के आगे और पीछे का कलर ही ऐसा है जिसे देखकर लगता है कि ये कोई कटी हुई लकड़ी है। ये जून जुलाई के महीने में ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये पूरी सर्दी किसी पेड़ के अंदर ही छुपकर गुजारते हैं। के पर भी होते हैं, जब ये अपने पर को खोलता है तो इसे आसानी से देखा जा सकता है। द राइट एड फ्लॉन्डर, ये एक फ्लैट फिश की तरह है जो कि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। इस फिश को पानी में तैरते समय इसको आर पार देखा जा सकता है। ये फिश ज़्यादातर समुद्र के तल में ही पाई जाती हैं, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा फ्लैट होती हैं। ये ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ मिट्टी में खुद को भी छिपा लेती हैं, ताकि कोई बड़ा जीव इन्हें ना देख पाए। इसकी इन्हीं क्वालिटी की वजह से फ्लाउंडर को देख पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी की वजह से ये अपने शिकार को भी आसानी से पकड़ पाती है। जब एक फ्लाउंडर का जन्म होता है तो ये खुद भी एक लार्वा होता है, लेकिन अडल्ट एज तक पहुँचते पहुँचते इनका साइज बड़ा हो जाता है। ये समुद्र के तल में तैरते तैरते बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब बात करते हैं ओक लीफ बटरफ्लाई की। आप लोगों ने बहुत सारी तितलियों को देखा होगा, लेकिन आपने इस इनविजुअल तितली को कभी नहीं देखा होगा। जब आप इसको पहली बार देखोगे तो ये आपको सिर्फ एक सूखी पत्ती जैसी दिखेगी, क्योंकि ये तितली है ही ऐसी, जो कि देखने पर बिल्कुल एक सूखे हुए पत्ते की तरह ही लगती है। लेकिन ये बहुत ही यूनिक और रेयर बटरफ्लाई है। इस तितली को जंगल में ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जंगल में पहले से ही बहुत से टूटे हुए पत्ते जमीन पर गिरे हुए रहते हैं। ये तितली अगर उन पत्तों पर बैठ गई तब तो इसे ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।